हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूती के साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहा है और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम हो रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाने में सफल हो, जहां एक ओर हिंदुस्तान के आम आवाम ने यह निर्णय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अपने आप को भारत माता का सच्चा सिपाही मान करके, सेवक मान करके इस महासमर में अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर और तैयार है। उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश की हिसार लोकसभा की नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का आज यहाँ पर एक बैठक, एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हरियाणा प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता लोकसभा हिसार के प्रभारी श्रीमान वीर कुमार यादव जी, दिनेश गोयल जी, श्रीमान ब्रह्मदेव शाडवा जी जो जिला परिषद चेयरमैन, और अन्य सभी वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ पर शिरकत की और कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। जनता के अंदर एक अलग प्रकार की लहर दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान, हरियाणा, हिसार और नारनौंद की जनता ने ये मन बना लिया अभी से कि इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी। लोकसभा टिकट का फैसला हो चुका है और कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, वही हमारे उम्मीदवार। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की राजनीति नहीं करती। हम अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाएंगे और कार्यकर्ता कमल के फूल के निशान को लेकर के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर केवल एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। यहाँ तो बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता अपने आप को नरेंद्र मोदी मान करके चुनाव लड़ने वाला है।